दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जीवन में अगर ऊंचाइयों को छूना है तो जोड़ने वाले बनो, तोड़ने वाले नहीं। एक दिन स्कूल की छुट्टी की घोषणा होने के कारण एक दर्जी का बेटा अपने पापा की दुकान चला गया। वहां जाकर बड़े ध्यान से अपने पापा को काम करते हुए देखने लगा। उसने देखा कि उसके पापा कैंची से कपड़े को काटते हैं और कैंची को पैर के पास टांग में दबाकर रख देते हैं, फिर सुई से उसको सीते हैं और सीने के बाद सुई को अपनी टोपी पर लगा लेते हैं। जब उसे इस क्रिया को 4-5 बार करते देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने कहा कि पापा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पापा ने कहा, बेटा बोलो, क्या पूछना चाहते हो? बेटा बोला, पापा मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ, आप जब भी कपड़ा काटते हैं उसके बाद कैंची को पैर के नीचे दबा देते हैं और सुई से कपड़ा सीने के बाद उसे टोपी पर लगा लेते हैं, ऐसा क्यों? इसका जो उत्तर पापा ने दिया उन दो पंक्तियों में मानो उसने ज़िंदगी का सारा सार समझा दिया हो। पापा ने उत्तर दिया कि बेटा कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। काटने वालों की जगह हमेशा नीचे होती है और जोड़ने वालों की जगह हमेशा ऊपर होती है। यही कारण है कि सुई को मैं टोपी में लगाता हूँ और कैंची को पैरों के नीचे रखता हूँ। दोस्तों इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में ऊंचाइयों को छूना हो तो बिल्कुल सुई की तरह बने, जोड़ने वाले। अगर आप कैंची की तरह बन जाओगे तो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं हूँ शिव। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट में प्रतिदिन आपके लिए लाता ही रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।